मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 12:15 और रयान अंदर सो रहा है और मैं इसके भाई यहाँ पे तैयारी करके रखी है, इसके कपड़े निकाले हैं, बेब डायपर टिश्यू, दूध बनाया था, इसने पिया ही नहीं, इतनी नींद में दूध ही नहीं पिया। और बाकी इसका बैग वगैरह मैं बना रही थी, स्कूल का बैग, इसमें दूध की बोतलें रखनी है। ये बॉटल्स मैंने अभी इसकी वॉश की हैं, ड्राई हो जाएंगी तो फिर दूध डालना है। यहाँ पर रात में बैठी काम कर रही थी, मैंने एक व्लॉग एडिट करके अपलोड किया है और दूसरा व्लॉग एडिट करते करते नींद आई थी तो मैं जाके बस सो गई थी सुबह के 6:30-7 बजे। कल दावत की थी तो उसके बाद से कुछ बर्तन पड़े हैं जो कि यहाँ पे धोने हैं, पतीलियाँ नजर आ रही हैं चाय वाली और बर्तन वर्तन काफी इकट्ठे हो गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, रयान उठ गया है और इसको मैं ऑयल की मालिश कर रही थी। इसकी टीचर की कॉल आ रही है कि रयान कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं है, और ये यहाँ घर में पड़ा इंजॉय कर रहा है। इसको कपड़े जल्दी से पहनाती हूँ, इसका टाइम बहुत लेट हो गया, ये मुंह से बबल्स बना रहा है। ओ इसका बबल्स ब्लो करने वाला फेज आ गया है। ओके जी, रोयान रेडी हो गया, बस जैकेट पहनाते हैं एंड रोयान को डे केयर लेके चलते हैं। टीचर मिस कर रही है रोयान को। रोयान डर से जा नहीं रहा, मार पड़ेगी, लेट हो गया। रोयान को मार पड़ेगी, ये सफाइयाँ करेगा वहाँ जाके। थोड़ा सा बड़ा होता है पर सफाइयाँ भी करेगा। हंसी क्यों आ रही है, इतना लंबा कौन सोता है, रात को तंग करता है सुबह सोता है। ओके जी लेट्स गो मेरी जान। यकीन नहीं आता ये यहाँ था, इतना सा था, छोटा सा, और अभी भी इतना छोटा सा ही है। और बैठना शुरू हो गया है, खड़ा हो जाता है, वक्त कैसे जल्दी गुजरता है ना, पता भी नहीं चलता। ये पांडा और जो शेर वाला जैकेट है ना, ये उर्वा की थी एक्चुअली, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं वही उर्वा को लेके ना डे केयर जा रही हूँ जैसे पहले इसको लेके जाती थी। उर्वा की यादें मैंने संभाल के रखी हुई थी ना, तो अब रयान की भी काम आ रही है। चलो इसका मैं डे केयर छोड़ के आती हूँ, इसका बहुत लेट हो गया। ओके जी हम लोग आ गए रयान के डे केयर। कैसे छूता है वो छोटा सा, कैसे छुप जाता है जी। रयान के टीचर को मैंने मिलके कुछ बात वगैरह करनी थी वो भी कर लिया, और रयान को सारा बता दिया, इसकी रिपोर्ट वीकेंड की, ये कितना सोया, क्या दूध वगैरह, वो सब बताना होता है ना कि बच्चा उसकी कंडीशन कैसी है, तो फिर टीचर उसके अकॉर्डिंगली करती है। और बाकी मुझे घर जाके काम शाम करना है। मैंने 2-3 दिन से व्लॉग्स नहीं डाले थे, कल भी हमारे घर इफ्तार थी, मैंने हर जगह के व्लॉग बनाए लेकिन अपलोड नहीं किया। अच्छा गाइस, काम करते करते 4:30 बज गए हैं, मैंने आज काफ़ी काम निपटा लिए हैं, ईमेल्स करना और गैलरीज वगैरह सेंड करना, तो अभी ना मैं व्लॉग भी एडिट करी थी, आज मैंने दिन में एक पोस्ट किया, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग जो है ना पाइल अप हो गए थे, मैं एडिट नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी 2-3 व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ जब जैसे जैसे टाइम मिलता है, और कल भी फिर मेरा बिजी स्केड्यूल है, तो इसलिए अभी ना मैं बैठ के बाकी की एडिटिंग करूँगी, फिर जाके बच्चों को लेकर आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया और अभी बज रहे हैं 5:15। अब मुझे जाके बच्चों को पिक करके आना है, तो जल्दी से मैं उनको लेके आती हूँ, सोच रही हूँ कार पे ले आऊँ, मेरी बहुत तबीयत डाउन अभी भी हो रही है, मतलब एनर्जी नहीं, इतनी वीकनेस हो गई है रोज़, मतलब जाग 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 के, और माशाल्लाह फिर आगे पीछे इफ्तारियाँ रही हैं, कुछ हम गए किसी के घर गए हैं, कभी हमने किसी को बुलाया, तो उसमें फिर रातों को लेट लेट बैठे होते हैं ना, फिर सहरी तक जाग रहे होते हैं, फिर सहरी के बाद भी काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो ये ना सोने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है। आज मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा मैं पैदल ही जाके बच्चों को ले आती हूँ, पहले मैंने कार की चाबी भी उठाई है, देखते ही देखते माशाल्लाह स्प्रिंग कैसे आ गई है, सारे पत्ते ग्रीन हो गए हैं और बच्चों का रश भी पार्क में प्ले ग्राउंड में बढ़ता जा रहा है। कोरिया में अब जो मास्क का मैंडेट वो भी ख़त्म हो गया है, तो अब पब्लिक ग्राउंड पब्लिक प्लेसेस में लोग भी ज़्यादा होते हैं। हमारे घर के पास जो है ना एक फ्लावर शॉप खुली है, ये पता नहीं आज ही मैंने देखे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। उर्वा का स्कूल है वहाँ पे। ओके जी, उर्वा का स्कूल आ गया, इसको चल के मैं पिक कर लेती हूँ, यहाँ भी इतने प्यारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। उर्वा की, हेलो उर्वा, ये देखो जी। हर आने जाने वालों को आने यहाँ से करी है। आज इसी गाड़ी चलाए तेरे सलाम का जवाब दे। अपनी टीचर को कह रही थी मैं यूट्यूब करती हूँ। ये मेरे व्लॉग में कभी कभी आ जाती है, अपने आप को यूट्यूबर समझती है।
कहती है मैं बहुत व्लॉग बनाती हूँ, मैं रिव्यूज करती हूँ चीज़ों के, ऐसे कॉन्फिडेंस से बता रही थी। मैंने कहा मैं इसकी ना यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ, तो ये शुरू हो गई। कहती है मैं वो जो चीज़ें बनाती हूँ ना, मैं उनकी रिव्यू करती हूँ, मैं वो मंदल की उसकी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो टीचर इसकी इम्प्रेस हो गई है। ये वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर है, मेरी बेटी यूट्यूबर बन रही है। अम्मा यूट्यूबर है, उर्वा यूट्यूबर है। इसका भी यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझसे अपने व्लॉग नहीं एडिट हो पा रहे होते। व्लॉग बना तो लेते बंदा, लेकिन 4-5 घंटे एक व्लॉग पे एडिटिंग में लगते हैं। चल अन्या से हो कि अम्मा चल, बहुत हो गया अन्या से हो। कबूतर उड़ के जा रहे हैं भाई, वो देखें कोरिया में जगह जगह कबूतर बहुत नजर आते हैं। हमारे पाँव में जा रहे होते हैं, ऐसे मजे से रोड पे चल रहे होते हैं जैसे इनका अपना रोड हो, गाड़ियों के लिए ना हो। चलो घर चलते हैं। पूर्वा तो खड़ी है, फिर ये अन्या से करती रहेगी लोगों को, हम चलते हैं घर। पीछे हो, खा रही है, कह रही है मैं गाड़ियों को खा रही हूँ। अच्छा जी, उर्वा ने कहा मुझे आइसक्रीम लेनी है, तो मैंने कहा एक ही दफा बड़ी ले लो, तो घर में रख लेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी खाती रहना। तो उर्वा सोचो में पड़ी है कि कुछ और लेना है कि नहीं। और क्या लेना है आपने? चलो जी, उर्वा को हम एक लॉलीपॉप लेके दे देते हैं, ओ बैग वन का। कौन सा कलर लेना है उर्वा ने? अच्छा जी, उर्वा ने कहा मुझे डिफरेंट कलर्स दिखाओ, फिर मैं चूज करूंगी। ओके इसको मैं दे देती हूँ, फिर ये चूज खुद करती है, लेकिन अच्छी बच्ची जिद नहीं करती हर चीज के लिए। चलो अब हम चलते हैं, हम किसन करते हैं, चेकआउट करते हैं। अच्छा जी, ये वाली जो है ना हलाल हमें मिल गई है, यहाँ पे किस्मत से इस पर लिखा हुआ है ये। जो किसन करो जल्दी से जाओ, ये उर्वा जाएगी और अपनी पेमेंट करेगी। हमें भूल गया, हमने पहले आइसक्रीम ले ली है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहा कि रेहान को भी तो लेना है। अब हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने उर्वा से कहा है कि आप जाके आइसक्रीम खा लो, मैं रेहान को ले आती हूँ। कहती नहीं, मैं अपने भाई को लेने जाऊँगी। वो देखिए अपने भाई की चाहत में भाग गई है। उर्वा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आइसक्रीम छोड़ के कहती भाई को लेके आऊँगी। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाए, बी केयरफुल। लंबी चुट्टिया वाली बेटी मेरी। उससे भी आगे आगे भागती है। मेरे लिए सबसे खुशी का वक्त होता है ये, जब इनको मैं लेने जाती हूँ ना, मज़ा आता है। और वह की छोटी छोटी क्यूट हरकतें हैं, फिर रेहान, फिर आपस में जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश होते हैं ना, मुझे भी हंसी आती है। वो देखो पहले ही पहुँच गई है मुझसे। मेरे पास तो ये स्ट्रोलर है ना, तो ये भागते भागते आगे पहुँच गई है मुझसे। चलो आगे नॉक भी कर देती। आ तो गई है उर्वा। रेहान आ गया, यहाँ से छागो हिस्सा। अब उर्वा स्ट्रोलर चलाएगी, ये अम्मा की हेल्प कर रही है, क्योंकि रेहान मेरी गोद में है और छंगन कर रही है। रेहान मेरी गोद में सो रहा है, बिल्कुल बड़ू बना हुआ। ये सही हेल्प कराती है मेरी, वहाँ से मैं सीट के आई हूँ, आगे कहती है मुझे दे दो, अब यहाँ से आसान है। जितना इसका कद है ना, उतनी स्ट्रोलर है। देखो सबके थैले, बस्ते, जर्सी। उर्वा वैसे नॉर्मली बड़ी हेल्प करती है मेरे साथ चीज़ों में, लेकिन आज मैंने इसको कहा जल्दी से आइसक्रीम लेके तू भाग ऊपर, आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी। उर्वा मेरा वेट कर रही थी, आइसक्रीम अंदर रख के वापस आई है, दरवाज़ा खोले खड़ी थी। ओए घुमा हुआ इंतज़ार में खड़ी हुई थी उर्वा कि अम्मा है तो मैं दरवाज़ा खोलो। घुमा हुआ उर्वा, लव यू। माँ सद के जाए, मैंने इसको कहा भी नहीं है, कितनी तू अंदर हो जा, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। कैसी, मतलब मुझे तो लगता है मैं कितनी खुशकिस्मत, अल्लाह ने मुझे ऐसी बेटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जी सोया पड़ा टिड्डा छोटा सा। अल्लाह ताला रेहान को भी ऐसी नेक बनाए, ख्याल करने वाला बनाए, एहसास वाला बनाए। सोया इतना क्यूट लगता है, टेढ़े मेढ़े होंठ हुए होते हैं इसके। मैं अंदर जाके सुलाती हूँ, जाहिद भी अंदर सो रहे हैं, जाहिद की सुबह अपॉइंटमेंट ही, तो बड़े थक गए थे, मैंने कहा सो जाए आप। गुड मॉर्निंग। हेलो, कहती इसको मुंह में डालने से पटाखे बजते हैं, कैसे होते हैं? माहिसो ये यूट्यूबर है, जरा मैं कह रही माश बता कैसा है। योगिनन ताई माशी को योगी बनाना मार, अनि योगिनन लेमन मार, लेमन मारती है। सॉफ्ट सॉफ्ट है, तक तक है ये, तक तक सतंग है तो कथा। ओके अच्छा जी, उर्वा को मैं थोड़ी सी आइसक्रीम निकाल के दे रही हूँ, इसका बहुत दिल कर रहा है। कहती है ये वाली और ये वाली मुझे मिक्स करके दे दो, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत मजे की लगती है। मुझे भी पता था कि ये मजाक कर रही है, मुझे बस कहने के लिए मैंने कहा एक स्कूप तू दो दूँ, कहती है तीन दे दो, ऐसे करो मिक्स करके दे दो, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत मजे की लगती है। मेरी बच्ची मुझे चरिया बना रही है। चला बुढ़ी।
अम्मा नहीं खा सकती। रैन को अपने हाथ प्यारे लगते हैं। कैसे देख रहा है दाएं बाएं करके, किसके हाथ है? अम्मा कैंट पकड़ो, एक पकड़ लिया। ये पकड़ लिया। अभी भी इसमें बेबी रिफ्लेक्स है जो न्यू बॉर्न का होता है। ऐसे 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 करके ऐसे। अय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किची 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 कि